गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है टिश्यू। टिश्यू हमारी HAP की सेकंड यूनिट का टॉपिक है। टिश्यू एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन है, फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें एक ग्रुप ऑफ सेल्स, मतलब कि जो स्ट्रक्चर में, फंक्शन में और इंट्रासेलुलर मटेरियल जो उनका सेम होता है, ऐसी सेल्स मिलकर एक टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से सिस्टम बनता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। टिश्यू इज डिफाइंड एज अग्रीग्रेट ऑफ सेल्स दैट हैविंग सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब कि एग्रीगेट का मतलब एक बंच टाइप का होता है सेल्स का, जिनका जो स्ट्रक्चर होता है और फंक्शन होता है सेम होता है। तो वो जो सेल्स होती हैं वो एक साथ मिलकर टिश्यू बनाती हैं। अब है टाइप्स ऑफ टिश्यू। टाइप्स ऑफ टिश्यू में जो टिश्यू होता है वो हमारा चार टाइप के होते हैं, जैसे एपिथीलियल सेल, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये एपिथीलियल सेल्स के टाइप हैं और उनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। जो एपिथीलियल सेल हैं उनको फर्दर सात भागों में बांटा गया है, सिंपल स्क्वैमश, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमिनार, ट्रांजिशनल, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमश, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमिनार। देन है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ये हैं और इनको फर्दर पांच भागों में डिवाइड किया गया है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन और ब्लड। इनके डिटेल में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ ये ओवरव्यू है। देन है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, कार्डियक मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू और स्मूथ मसल टिश्यू। देन है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में मेन रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोलजिया। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ये ओवरव्यू है एनिमल टिश्यू का कि उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो हमें पता है कि जो एनिमल टिश्यू है उसको चार टाइप में क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहला है एपिथीलियल। जो एपिथीलियल है वो स्क्वैमश, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर में डिवाइड किया गया है। और जो मस्कुलर है वो स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक में डिवाइड किया गया है। फिर कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू एरियोलर, डेंस, रेगुलर, एडिपोज टिश्यू, स्केलेटल और फ्लूड टिश्यूज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद इनको सब डिवाइड भी किया गया है। जो जैसे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है उनको टेंडन और लिगामेंट में क्लासीफाई किया गया है, और जो स्केलेटल्स हैं उनको कार्टिलेज और बोन में क्लासीफाई किया गया है। फिर बोन को, कार्टिलेज को फर्दर तीन भागों में डिवाइड किया गया है, हेलाइन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। ठीक है, उसके बाद जो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है, फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू मेनली ब्लड होता है, ब्लड और लिम्फ। तो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, ब्लड और लिम्फ। अब हम इनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।